देखो, इन्हें सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ रेडियस कैपिटल आर, तो ये बहुत जाना पहचाना आपका फील्ड का वेरिएशन है जिससे आपको फील्ड लिखना तुरंत आता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो वही दे रखा है आपका सिलेंड्रिकल रीजन में, और के आपका ग्रेड बढ़ रहा है, मतलब के ग्रेटर देन जीरो बढ़ रहा है ये फील्ड, तो कि चारों ओर क्या पैदा हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल उसमें आएगा तो उस पर क्यूई वेक्टर फोर्स लगेगा, ठीक है, क्यूई वेक्टर फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा बेटा, ठीक है ना। तो देखो अब आपने क्या किया इस पर, यहाँ से इसका जनरल इंस्टेंट पे जाओ और लिखो आप क्या लिखोगे, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पर। एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग रहा है। देखो ये चार्ज पार्टिकल है आपका, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं है। आपसे वक्तन पूछा है एक्सटर्नल एजेंट का, डिफरेंट डी पर, तो ये निकल के आता होगा कि डी का इंडिपेंडेंट ही आ गया है, ठीक है। तो कैसे आया होगा देखते हैं अभी अपन। तो एक्सटर्नल का प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो होगा, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर वो मत कंफ्यूज होगा ना कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं और अपन सब कर रहे हैं, तो वो कुछ है ही नहीं ना बेटा, वो कंसेप्ट ही नहीं है पोटेंशियल, कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली वर्क डन भी रास्ते पे डिपेंड करेगा। तो आपको पूरा यहाँ से देखो डायरेक्शन भी बता रखी है, ऐसे ले जा रहे हैं आप इन्फिनिटी पे, इस रास्ते पे, ठीक है। तो किसी एक्स डिस्टेंस पर जाकर एफ एक्सटर्नल इधर लग रहा है आपको और क्यू इस डायरेक्शन में लग रहा है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है ना, पहले तो आप क्या करो एक्स वो लगा निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो कैसे निकला, वही आपको पता ही है, याद हो गया आपको, शायद बाहर का याद नहीं हो, अंदर का याद हो जाता है। तो बाहर का निकाल लेंगे, इसमें क्या है, इंटू टू पाई आर डी इंटू बी इंटू पाई आर स्क्वायर बाई बी टू, तो ये आ गया देखो के आर स्क्वायर अपॉन टू आर। अब ये के आर स्क्वायर अपॉन टू पूरा कॉन्स्टेंट था तो मैंने उसको लेमडा बोल दिया, पूरे के आर स्क्वायर अपॉन टू को मैंने लेमडा बोल दिया। जो फील्ड है वो लेमडा बाई आर के साथ वेरी कर, ठीक है ना, फील्ड इंटेंसिटी लेमडा बाई आर के साथ वेरी कर रही है। तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर डायरेक्शन ये है उसकी, इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखो फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या आ रहा है, पाई माइनस थीटा आ रहा है कि, देखना एक बार, फोर्स तो इधर लग रहा है, अब डायरेक्शन इधर लगेगा कि इधर लगेगा वो भी क्लियर होनी चाहिए, बढ़ रहा है ना बेटा। तो यहाँ पर एक आप लूप मानते हैं इसको, ठीक है ना, इस पर एक लूप मान लेते हैं आप। तो लूप में करंट कैसे चलता है इसको कम करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज ही तो चलता है, तो इसलिए आपका ई वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है। तो जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वो आप पहले एफ डॉट डी आर लिखोगे, क्यू इंटू डी एक्स इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, देखो थीटा इसको माना है, ये बेसिकली शायद थीटा लिया हो, ठीक है ना, ये एंगल थीटा लिया है, तो 90 90 माइनस थीटा ये थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ई की जगह क्या रख दिया, लेमडा अपॉन आर, तो लेमडा अपॉन आर की जगह आप क्या रखो, आर कॉस थीटा इक्वल्स टू डी है ना, तो डी बाई कॉस थीटा रख दो, आर की जगह कर दिया डी बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब एक्स की टर्म में लिखना है तो कॉस थीटा कितना है, डी अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पे रख दो, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया स्मॉल वर्क का। अब आपको बताइए एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी सर तक जा रहे हो। देखो वर्क डन लिखने में दिक्कत तो नहीं किसी को, बताइए बेटा, पूछ रहा है कोई। नहीं सर, वो हो गया जी। हाँ ये वर्क डन लिख रहे हैं हम, तो आपने किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए, और बाकी फिर हर स्टेप आपके सामने जो आप पहले भी करते थे। तो अब एक्स की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपको याद हो गया, इंटीग्रेशन तो हो ही गया आपके, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो, 1 अपॉन d tan इनवर्स xy, ये होता है फॉर्मूला, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बस। तो आपका लेमडा की वैल्यू रख दो, जो आपने q/2 को, शायद q π/2 को लेमडा बोला था, ठीक है ना, लेमडा किसको के आर बोला, स्क्वायर बाय टू को बोला था। हाँ kr² / 2 को बोला, तो q π/2 आ गया, q की जगह kr² / 2 रख दिया, इस तरह का आ गया। तो एक्सटर्नल का कितना आएगा इसका, नेगेटिव, तो ये आ गया q π kr² / 4, मैंने टिक गलत कर दिया, मैंने 8 पे टिक कर दिया कि, हाँ गलत टिक कर दिया मैंने रॉन्ग वाले चूज करना था। इनका। अच्छा इनका, अरे तो ये सब सेम है क्या बाकी, अरे हाँ बाकी सब सेम है, ध्यान रखो इनकरेक्ट, मैंने देखो मार्क भी किया है इनका, बाकी सब सेम है।
इसलिए डी का इंडिपेंडेंट है ना, तो इसलिए सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। डी कुछ भी रखो, आ ही नहीं रहा ना, एक्सप्रेशन कट गया, मैंने कुछ वैल्यू थोड़ी रखी, मैं तो पूरा इंटीग्रेट करता गया था, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर किया, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर करने में कहीं पर डी आया ही नहीं, कहाँ कटा डी, वैसे यहाँ कट गया उसे, ठीक है ना। जब आपने यहाँ पर क्यू लेमडा डी चल रहा था आराम से, बट जब इसका आपने इंटीग्रेशन, बस हाँ, तो यहाँ डी कट गया, फिर डी गायब हो गया, तो ठीक है। तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो, ये वाला हो, बाकी ए सी डी आर करेक्ट स्टेट, ठीक है। तो ये बात क्लियर है बेटा, इस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम बन सकता है, ये जबरदस्ती बनाया गया प्रॉब्लम कि आपको एक तो ये क्लियर हो उसमें कि वर्क डन में आप उस चक्कर में ना पड़ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालोगे कहाँ से, निकालोगे डिफाइन भी नहीं, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, वर्क निकालना है तो वही तरीका है, इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है। बाकी फिर इसने कही रखा है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, तो आपको समझ में आना चाहिए, इतना कर चुके हैं, ये एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वर्क मिलके जीरो आ रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको क्लियर है, उससे आपने वर्क लिख दिया, ठीक है। बताइए धर्मांश, कोई डाउट इस प्रॉब्लम में बेटा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के? नो सर। चलिए, वेरी गुड।